अभी ज्वाइनिंग हो रही है। सर आशा की क्लास तो नहीं हो रही होगी?
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो? ठीक हो आप सब लोग? जल्दी से कंफर्मेशन दें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें. कैन यू लिसन मी क्लियरली? रेज योर हैंड्स. जस्ट अबूजर कैन लिसन. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. चलें अपना बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जी जनाब, वर्किंग बैक का कल हमने क्वेश्चन किया था, अब वैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं. बुक्स में, आपकी बुक्स में पेज नंबर 70 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 निकालिएगा. आपकी बुक्स में पेज नंबर 70 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन का टाइटल जो दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस डिस्क्रिप्शन. ट्रांजैक्शंस डिस्क्रिप्शंस, इसमें जनाब 3 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है. उसने काउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करके दी हुई है. हमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है. लेट्स प्रैक्टिस इट. इसके पेज नंबर 70 पे एसेट्स के इफेक्ट दिए हुए हैं, और पेज नंबर 71 पे उसने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे इसके इफेक्ट दिए हुए हैं. तो चलिए डेट वाइज इसे सॉल्व करते हैं. देखो बेटे, 3 जनवरी को अगर देखें, 3 जनवरी में एसेट्स की साइड पे देखो, पेज नंबर 70 पे इन्वेंट्री में 17 उसने प्लस किया हुआ है. इन्वेंट्री में 17 प्लस करने का मतलब है कि बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, हमने शायद परचेस की है. 17 मिलियन इसकी अमाउंट है, मिलियंस को राउंड ऑफ किया हुआ है. तो 17 मिलियन की गुड्स, 17 मिलियन कॉस्ट की गुड्स बिजनेस में आ रही हैं. इसके अलावा और क्या इफेक्ट है एसेट साइड में? कैश के बैलेंस को उसने 4.25 मिलियन से कम किया हुआ है. हम लाइबिलिटीज और इक्विटी साइड पे देखते हैं, इसके इसका दूसरा इफेक्ट क्या है. पेज नंबर 71 पे जाइए तो जनाब, अकाउंट्स पे एबल 12.75 प्लस है. ये तो सो सिंपल, इसका मतलब है अकाउंट्स पेबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, कैश आपका कम हो रहा है, इन्वेंट्री का बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स परचेजेस ऑफ गुड्स. और कैसे आपने परचेज किए? आपने 17 मिलियन की कॉस्ट के अंगेस में 4.25 मिलियन कैश में पे कर दिया हुआ है, और रिमेनिंग 12.75% आपने पे नहीं किया. ये आपकी लाइबिलिटी को रेस करेगा, जिसका नाम होगा अकाउंट्स पेबल. इट मीन्स purchases of goods having a total cost of 17 million, 4.25 million has been paid while 12.75 million has been due. तो जनाब 3 जनवरी में ये इफेक्ट आए हैं. तो चलिए अब 5 जनवरी की ट्रांजेक्शन को मिलके सॉल्व करते हैं बेटे. 5 जनवरी में क्या है? इन्वेंट्री माइनस हो रही है. इसका मतलब है कि जनाब इन्वेंट्री बिजनेस से जा रही हैं, या तो बेचती होंगी, या ऑनर ले गया होगा, या किसी किस्म का पॉसिबल है कि लॉस हो जाए, लेकिन अमाउंट 20 मिलियन है, लॉस नहीं हो सकता. जनाब 20 मिलियन माइनस हो रहा है, कैश एंड बैंक में प्लस कर रहा है 22.5. यहीं से क्लिक हो जाता है कि जनाब इट्स द सेल ऑफ गुड्स. अगर ये सेल ऑफ गुड्स है तो जनाब पैसे आ रहे हैं. 20 मिलियन इन्वेंट्री में से माइनस हो रहा है, और इन्वेंट्री में से जब अमाउंट माइनस करते हैं वो कौन सी अमाउंट होती है? कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब जो हम गुड सेल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट है 20 मिलियन, लेकिन वो कितने में सेल हो रहे हैं? इज इट सोल्ड फॉर 22.5 मिलियन? चलें अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन का मेरे पास प्रॉफिट है. तो 2.5 मिलियन का अगर प्रॉफिट है, दैट वुड बी एडेड ऑन द इक्विटी साइड. तो इक्विटी साइड पे चलिए 5 जनवरी में जाके देखें, कैपिटल में उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस ऐड किया हुआ है वो 2.5 मिलियन का नहीं है, 5 मिलियन का है. इट मींस के जनाब 20 मिलियन कॉस्ट के आइटम्स हमने 5 प्रॉफिट का मतलब है कि 25 में सेल किया है. 20 मिलियन कॉस्ट के आइटम्स को हमने 25 मिलियन में सेल किया है, तो 5 मिलियन का प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड हुआ है. अब 25 मिलियन हमने क्या रिसीव किया या नहीं रिसीव किया, क्या हुआ? तो उसमें देखिए, कहता है कि आउट ऑफ 25, 22.5 मिलियन अब हम रिसीव कर रहे हैं. 25 मिलियन में बेची हैं, 25 मिलियन में से 22.5 मिलियन हम रिसीव कर चुके, रिमेनिंग 2.5 मिलियन क्या है? शायद वो रिसीवेबल होगा.
अगर वो रिसीवेबल होता, चीज बेची, कस्टमर से पैसे नहीं आए, तो वो फिर रिसीवेबल एसेट साइड पे शो होना चाहिए। लेकिन देखो, एसेट्स की साइड में रिसीवेबल में रिमेनिंग 2.5 मिलियन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। फिर वो 2.5 मिलियन कहाँ है? अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी तरफ चल के देखिए, ये क्या उसने जनाब अक्रूअल्स एंड अदर पे एबल्स में लिखा हुआ है 2.5 मिलियन। सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बेटे या तो एक्रूड होता है, अगर रेवेन्यू एक्रूड हो इसका मतलब चीज बेचती, पैसे लेने हैं, फिर एक्रूड रेवेन्यू, रिसीवेबल रेवेन्यू ये हमारे करंट एसेट्स की साइड पे होना चाहिए। नहीं है, इट मींस के जनाब ये बेसिकली हमने 2.5 मिलियन कभी कस्टमर से एडवांस ले लिया हुआ था। जब एडवांस लिया था तो एडवांस रेवेन्यू मेरा क्या बना? मेरी लायबिलिटी थी, और मैंने कस्टमर से 2.5 मिलियन एडवांस लिया। अब उनको 25 मिलियन की चीजें बेच दी, जब 25 मिलियन की चीजें बेची हैं, 2.5 मिलियन हमने उनसे एडवांस लिया हुआ था, अब चीजें दे दी, अब वो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, रिमेनिंग पैसे 22.5 मिलियन अब हम रिसीव कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लेते हैं जनाब, अभी यहाँ हैंड रेज हुआ। जी हामिद बेटा, अस्सलाम वालेकुम मैम जी। मैम वालेकुम अस्सलाम। ये समझ नहीं आ रही आप किस चीज को किससे रिलेट कर रही हैं। देखो बेटे, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट बहुत ही डिफरेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन को 2 पेजेस में स्प्लिट करके दिया हुआ है, हम यस डेट मैम, वाइज उसको सॉल्व करें। पेज नंबर 70 पे देखो, यस मैम, यहाँ पेज नंबर 70 पे उसने सिर्फ एसेट्स की साइड के डेट वाइज इफेक्ट्स दिए हुए हैं, यस और जो नेक्स्ट पेज है 71, उसने सेम वही डेट्स के जो कैपिटल और लाइबिलिटीज के इफेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। जी मैम, ठीक है, तो हम यहाँ डेट वाइज सॉल्व करते हैं ना, पहले यूं पोर्ट्रेट फॉर्म में देते हैं, अब लैंडस्केप की फॉर्म में दे दिया, और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या किया, वो अगले पेज पे ले गए उसको, तो स्टूडेंट और के लिए मैम थोड़ा ये, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। और मैम जी ये जो फिक्स एसेट कॉस्ट है -5.0, मैम ये आपने सोल्व करवा दिया है, कौन सी? ये जो ऊपर वाली है -6 नहीं पॉइंट बेटे, देखो डबल पहले जीरो हमने माइनस फाइव थर्ड पॉइंट डबल जनवरी जीरो को सॉल्व किया, हामिद बेटे पहले हमने थर्ड जनवरी को सॉल्व किया। थर्ड जनवरी नीचे आओ, देखो थर्ड जनवरी को 17 प्लस है इन्वेंट्री में। अच्छा हम अब कॉलम के कॉलम में जा रही हैं। यस यस, यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया, हम जब भी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं डेट वाइज सॉल्व करते हैं। अब क्लियर हुआ? यस मैम, तो यस मैम, थर्ड जनवरी के इफेक्ट पेज नंबर 70 पे भी ले लो, और पेज नंबर 71 पे भी थर्ड जनवरी के इफेक्ट ले लो। ठीक है मैम, अब ठीक हो गया? चलो, और स्टूडेंट यस के मैम। क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल है उनको भी यही और इश्यू मैम होगा, इससे सॉल्व जरा कर पाएंगे। ये कर दोबारा दीजिएगा, रिपीट, इसी के ना दोबारा। जी मैं रिपीट कर देती, बट लिख के रिपीट कर देती। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। मैम वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, फिर म्यूट हो गया। हाँ जी बेटा, आके अब बोलिएगा। वो 3rd जनवरी की ट्रांजेक्शन आपसे कहना था, एक बार दोबारा लेट रिपीट कर लेट दीजिए। ज्वाइन किया, क्लास ले रहे थे? यस मैम, अच्छा चलो, मैं बेटे दोबारा सिर्फ सब सारी ये रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट को फॉलो, वो पैटर्न भी फॉलो नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, मैं सबको कर देती हूँ। यस मैम, देखे बेटे, 3rd जनवरी को वो क्या कर रहा है, मैं लिख के आपको बता देती हूँ। लीजिए, ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये देखो, 3rd जनवरी की ट्रांजेक्शन में लिखती हूँ। 3rd जनवरी में एसेट्स और जनाब इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, क्या इफेक्ट्स दे रहा है मैं पहले लिखती हूँ, फिर आपसे डिस्कस करती हूँ। 3rd जनवरी को देखो बेटे, उसने इन्वेंट्री को इंक्रीज किया है 17 मिलियन से, उसने मिलियंस कॉमन लिए हुए, और कैश को डिक्रीज किया हुआ है जनाब -4.25 मिलियन से। एक तो ये इफेक्ट लिया हुआ है, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड पे चलिए, तो 3rd जनवरी को उसने जनाब लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट्स पेएबल पे इफेक्ट किया हुआ है 12.75 उसने ऐड किया हुआ है। अब हम ढूंढते हैं जनाब ये इफेक्ट किस चीज के हैं। तो देखो बेटे, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, और इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में क्रेडिट गुड्स आ रही हैं, इसका मतलब है हमने खरीदा होगा।
अगर खरीदा होगा तो या तो कैश पे किया होगा या पे नहीं किया होगा, तो लायबिलिटी रेस हो गई होगी अकाउंट्स पेबल की। तो देखें ऐसा है, 17 मिलियन कॉस्ट की इन्वेंट्री हमने खरीदी है, उसके अगेंस्ट में 4.25 मिलियन हमने पे कर दिया हुआ है और रिमेनिंग जो 12.75 मिलियन है वो हमें पे करना है। परचेजेस के अगेंस्ट में जब हम पैसे अदा नहीं करते, उधार खरीदते हैं, तो बेटे उधार खरीदने के अगेंस्ट में क्या होता है, एक हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है कि हमने उधार चीज खरीदी, अब हमें पैसे देने हैं। तो जब हम क्रेडिट बेसिस पे आइटम्स परचेज करते हैं तो जो लायबिलिटी हमें फेस करना पड़ती है, जो लायबिलिटी हमारी बुक्स में आ जाती है, वो अकाउंट्स पेएबल के नाम से आती है। और देखो उसने अकाउंट्स पेएबल के ऑपोजिट 12.75 मिलियन ऐड किया हुआ, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। ये लायबिलिटी तब बढ़ती है जब हम उधार खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि 17 मिलियन में से 4.25 मिलियन दे दिया और बकाया हमने उनसे उधार कर लिया कि भाई बाकी हम आपको बाद में पे करेंगे। ये 3rd January की ट्रांजेक्शंस के इफेक्ट्स हैं। इसी तरह मैं नेक्स्ट डेट के भी इफेक्ट्स लिख देती हूँ और दोबारा से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए बेटा 5th January को वो एसेट और लायबिलिटी साइड पे क्या इफेक्ट दे रहा है। 5th January में इन्वेंट्री में से माइनस कर रहा है 20 मिलियन और बेटे वो कैश में एड कर रहा है 22.5 मिलियन। और जना 5th January के दूसरी साइड के इफेक्ट्स हम नेक्स्ट पेज पे जाके ढूंढते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या इफेक्ट दे रहा है, कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ऐड कर रहा है 5 मिलियन और एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल के ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है -2.5 मिलियन। ये सबके साथ मिलियन लिखा हुआ है, कॉमन है। चलें जनाब अब ढूंढते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अब देखो इन्वेंट्री पहले ऐड हो रही थी, प्लस हो रही थी, इन्वेंट्री बिजनेस में आ रही थी, इसका मतलब हम परचेज कर रहे हैं। अब इन्वेंट्री माइनस हो रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री बिजनेस से जा रही है, कहाँ जाती है, या तो हम बेच देते हैं, ऑनर ले जाता है, चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल्स दे दिए, लॉस हो गया। भाई 20 मिलियन एक मटेरियल अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट का लॉस नहीं हो सकता, इतनी बड़ी अमाउंट की चीजें विड्रॉ भी नहीं हो सकती। तो फौरन जो पहले हम प्रायोरिटी पे जो चीज आएगी मेरे जहन में वो क्या है कि जनाब इन्वेंट्री बिजनेस से जा रही है, हमने बेची होगी। ओके जी, अगर मैंने बेची होगी, कैश पे बेची होगी तो पैसे आए होंगे, उधार बेची होगी तो रिसीवेबल्स होंगे। तो जनाब हम इनके सेकेंड इफेक्ट्स ढूंढते हैं। अब इन्वेंट्री में से जो अमाउंट माइनस करते हैं, कीप इन माइंड वो सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस होती है, जितने में हमने इन्हें खरीदा था। तो 20 मिलियन कॉस्ट के आइटम सेल हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कंफर्मेशन मुझे मिल रही है कैश के अकाउंट से। कैश के अकाउंट में जाके देखें 22.5 मिलियन वो ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जनाब 20 मिलियन कॉस्ट के आइटम्स शायद हमने 22.5 मिलियन में बेचे हैं, तो इट मींस कि 2.5 मिलियन का मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर 2.5 मिलियन का प्रॉफिट होता तो वो डेफिनेटली कैपिटल में ऐड होना चाहिए, लेकिन हमने जब कैपिटल की साइड पे जाके चेक किया वो 2.5 मिलियन नहीं, बल्कि उसने 5 मिलियन का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया हुआ है। 5 मिलियन प्रॉफिट मींस व्हाट, 5 मिलियन प्रॉफिट मींस के जनाब हमारा सेल्स रेवेन्यू कितने का है, हमारा सेल्स रेवेन्यू 25 मिलियन का है। कॉस्ट कितने की थी, 20 मिलियन कॉस्ट की चीजें हमने 25 मिलियन में बेची हैं, इसी वजह से हमें 5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। एक इफेक्ट तो ये हो गया, अब बेची कैसे हैं, दूसरा इफेक्ट ढूंढते हैं। आउट ऑफ 25 मिलियन सेल्स रेवेन्यू मैं 22.5 मिलियन जो है वो अब कैश में रिसीव कर रही हूं, उसकी कंफर्मेशन कैश के कॉलम में उसको उन्होंने ऐड किया हुआ, ये कंफर्मेशन हो गई। जो 2.5 मिलियन का रिमेनिंग रेवेन्यू है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां है। अगर तो बेटे ऐसा है कि 25 मिलियन के रेवेन्यू में से मैंने 22.5 मिलियन अब ले लिया हुआ है, शायद बाकी मैंने उधार बेच दिया कि हम आपसे बाद में ले लेंगे। ऐसा रेवेन्यू जिसके जो हमने अर्न कर लिया, जिसके अगेंस्ट में अभी हमने पैसे रिसीव नहीं किए बल्कि करने हैं, उस रेवेन्यू को हम रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। अगर ये रिसीवेबल है इट मस्ट बी शोन ऑन द एसेट साइड,
लेकिन जब एसेट साइड पे देखा तो आपके रिसीवेबल में 2.5 मिलियन नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये हमें लायबिलिटी साइड पे 2.5 मिलियन मिल रहा है, उसकी रीजन क्या है? और ऊपर से लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम कब होती है बेटे? उसके लिए लायबिलिटी का पहले रेस होना जरूरी है। इसका मतलब है पहले 2.5 मिलियन कहीं हमारे बुक्स में स्टैंड किया है, हमने इसको लायबिलिटी बुक किया था और उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में अब जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो लायबिलिटी कम हो रही है। अब जब मैंने सोचा तो मालूम हुआ, माइंड में एक चीज क्लियर हुई कि हम रेवेन्यू को सॉल्व कर रहे हैं। रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, या तो एक्रूड होंगे, अगर वो एक्रूड होते तो रिसीवेबल में आते, वो एसेट साइड पे आते। इसका मतलब है ये हमारा एडवांस रेवेन्यू है। रेवेन्यू या एक्रूड होगा, रिसीवेबल होगा, हमने दो एडजस्टमेंट्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की पढ़ी हुई हैं। तो अगर रेवेन्यू ये एक्रूड नहीं है क्योंकि रिसीवेबल में नहीं दिख रहा, तो अंडरस्टूड बात है कि ये एडवांस रेवेन्यू। हमने अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया था 2.5 मिलियन। जब हम एडवांस रेवेन्यू रिसीव कर लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है कि अब हमने, क्योंकि कस्टमर से पैसे ले लिए हुए, अब हमने उन पैसों के अगेंस्ट में उनको चीज देनी है। तो अब जब हमने उन्हें चीजें बेची हैं, उनको गुड्स दी हैं, तो वो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। इट मींस कि ये ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, हमने 2.5 मिलियन अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया था और जो एडवांस रेवेन्यू है वो हमने पहले लायबिलिटी बुक कर ली थी। और इस क्वेश्चन में वो एडवांस रेवेन्यू का अलग से अकाउंट ओपन करने की बजाय एडवांस रेवेन्यू को किसमें डील कर रहा है? एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स में। समटाइम हम करते क्या हैं, जितने भी ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं लायबिलिटी साइड पे, उनका एक ही अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, मैं सेग्रीगेशन ही रखूंगी आपकी आसानी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जनाब 2.5 मिलियन हमने अपने कस्टमर से जब एडवांस लिया था तो तब इसको लायबिलिटी बुक कर लिया था। अब हमने अपने कस्टमर को गुड्स फॉरवर्ड कर दी हुई है तो हमारी ये लायबिलिटी कम हो गई। और जो रिमेनिंग पैसे थे कस्टमर ने, जब हमने कस्टमर को चीजें फॉरवर्ड की हैं, बेची हैं, रिमेनिंग पैसे उन्होंने 22.5 मिलियन हमें अब पे कर दिए हैं। तो जनाब ये था हमारे पास 5 जनवरी की ट्रांजेक्शन। अब हम चलते हैं जनाब 8th जनवरी को क्या हो रहा है उसको भी पहले लिखते हैं आपकी आसानी के लिए, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटे जी, 8th जनवरी क्या हो रहा है? 8th जनवरी में जनाब ढूंढते हैं, लिखते हैं इसके इफेक्ट्स को। अकाउंट रिसीवेबल में उन्होंने -6 किया, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा है। अब जल्दी से अपनी मेमोरी को रिकॉल करो, देखो लिस्ट में अकाउंट रिसीवेबल किस किस वजह से कम हो सकते हैं। प्रोविजन for doubtful debts, जनाब वो उन्होंने plus TVF 1.2 million cash plus किया हुआ 3 million assets की side पे, ये impacts हैं 8th January को। लिखकर फिर identify करते हैं। अब हम अपनी capital liabilities में जाके देखते हैं 8th January का यहाँ क्या effect हो रहा है। 8th January को profit and loss में कैपिटल की साइड पे उन्होंने माइनस किया है 1.8 मिलियन। चलें, आपने जब तक अपनी मेमोरी को रिकॉल किया होगा, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं? या कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया, कस्टमर को गुड्स रिटर्न कर दी, डिस्काउंट लिया, बैड डेट्स हो गए, डाउटफुल डेट्स हो गए, इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है। चलें वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। रिसीवेबल का बैलेंस -6 से कम हो रहा है और कैश भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने कस्टमर से टोटल जो पैसे लेने थे वो हमने रिसीव करने थे जनाब
सिक्स मिलियन के हमने रिसीव करने थे अपने कस्टमर से पैसे, लेकिन हम उनसे 6 मिलियन में से 3 मिलियन तो कैश रिसीव कर रहे हैं, इसलिए उसका बैलेंस कम हो रहा है। इट मीन्स कि हम अपने कस्टमर से हाफ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट का क्या हो रहा है? रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितनी है? हाफ 3 मिलियन। देखो रिसीवेबल का मेरा टोटल बैलेंस था, कस्टमर से मैंने पैसे लेने थे 6 मिलियन, आउट ऑफ 6 मिलियन 3 मिलियन कैश रिसीव किया, इसलिए बैलेंस रिस्क रिड्यूस हुआ। ओके जी, और किस वजह से हो सकता है? और हो सकता है जनाब कैपिटल की साइड पे जाके देखें, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 1.8 मिलियन माइनस किया हुआ, रिसीवेबल भी कम हो और कैपिटल में से भी माइनस करें, तो इट मींस कि या तो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या फिर बैड डेट्स हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करें वो हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस करते हैं, और अगर ये बैड डेट्स है तब भी ये हमारा लॉस है, ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा, रिसीवेबल को भी रिड्यूस करेगा। अब इन दोनों में से ज्यादा वेटेज किसकी बनती है? देखो बेटे 1.8 मिलियन इतना तो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को अलाउ नहीं कर सकते, हमारे टोटल रिसीवेबल 6 मिलियन है, अंगेज 6 मिलियन डिस्काउंट की परसेंटेज ज्यादा ज्यादा क्या होती है, 5% 6%, इससे ज्यादा डिस्काउंट को नहीं हम दे सकते। इसका मतलब है कि वैसे अगर आप इसको डिस्काउंट भी मानोगे लिखोगे वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट का भी यही इफेक्ट है, लेकिन ये मुझे अमाउंट अच्छी खासी मटेरियल अमाउंट लग रही है एज कंपेयर टू टोटल अमाउंट ऑफ रिसीवेबल। 6 मिलियन के अंगेज में बेटे 1.8 मिलियन का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते, इसलिए मैं इसको एज्यूम करूंगी कि जनाब 1.8 मिलियन का क्या हुआ, बैड डेट्स हो गए। लेकिन और आप इसको डिस्काउंट भी कंसिडर कर सकते हो, जो आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया उसका भी इम्पैक्ट यही होता है, तो मैंने और लिख दिया। अब कितना हुआ, 6 मिलियन पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, बकाया क्या है 1.2 मिलियन, वो क्या थे बेटा जी, वो हमारे डाउटफुल डेट्स थे। कैसे कंफर्म हुआ? डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन, और प्रोविजन जिस चीज पे क्रिएट की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जनाब इस चीज की कंफर्मेशन ये देखो एसेट्स की साइड पे हो रही है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस 1.2 मिलियन से बढ़ा है, और इसको हमने क्या करना है, अपने अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करना है। तो देखो इसलिए उसने अकाउंट रिसीवेबल के साथ वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस, कि इसमें से किसी किस्म की डिडक्शन या एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो जनाब ये कंफर्म हो गया हमें कि आउट ऑफ 6 मिलियन रिसीवेबल एक्चुअल में क्या हो रहा है, हाफ अमाउंट 3 मिलियन हम रिसीव कर रहे हैं, 1.8 मिलियन क्या या तो कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है या बैड डेट्स हो गए, रिमेनिंग अमाउंट अभी हमारी डाउटफुल है, कंफर्म नहीं हुई, इसीलिए उसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट की है और एसेट्स की साइड पे उसे लिखा है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि प्रोविजन बढ़ रही है और अल्टीमेटली आपके रिसीवेबल में से माइनस हो। तो जनाब 8th January भी सॉल्व हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे 12th January। इसी तरह आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम उसे मिलके सॉल्व करते हैं। ट्वेल्थ जनवरी में इन्वेंट्री माइनस 2 मिलियन, लो जी कैश भी माइनस, इन्वेंट्री भी माइनस। कैश कितने से माइनस है, 1.5 मिलियन से। एसेट्स एंड लाइबिलिटी की साइड में 12 जनवरी को चलते हैं, तो जनाब उन्होंने कैपिटल में से माइनस किया हुआ 3.5 मिलियन। तो बहुत इजी ट्रांजेक्शन, आपको लिखते ही देखते ही आइडिया हो गया होगा कि जनाब बिजनेस से आपके इन्वेंट्री भी जा रही है, कैश भी जा रहा है, और ऊपर से हम टोटल बिजनेस से जो एसेट्स जा रहे हैं वो 3.5 मिलियन के, वो कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। ये तो फॉरेन क्लिक हो गया भाई, ये ड्राइंग्स हैं, ऑन अ विड्रॉ कर रहे हैं।
ऑनर बिजनेस से कैश भी लेके जा रहा है, गुड्स भी लेके जा रहा है, ये उसकी ड्राइंग्स हैं। एक इफेक्ट ये है कि एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट्स में से माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या है, ये ड्राइंग्स हैं क्योंकि वो ऑनर की इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, उसे कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। तो देखिए हमने उसे कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। 12th जनवरी की ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद जनाब, अच्छा 12th की थी, अब 16th जनवरी यही लिखते हैं। सिक्सटींथ जनवरी में जनाब फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को बोलते हैं, मैं एब्रीवेशन यहां यूज कर रही हूं, फिक्स एसेट्स माइनस 5, ओके जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन से आप लोगों की 900 है, ये है प्लस 2.4 मिलियन, ओके जी, और कोई इफेक्ट नहीं है, है जनाब। 16th जनवरी में और एसेट साइड पे इफेक्ट क्या है, कैश प्लस हो रहा है 3 मिलियन। अब जनाब 16th जनवरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 0.4 ऐड किया हुआ, प्लस 0.4। नॉन करंट एसेट का बैलेंस कम हो रहा है। नॉन करंट एसेट हम बिजनेस में परचेस करते हैं यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए, सेल कर देते हैं, हमें कोई नया मॉडल चाहिए, कोई अपग्रेडेशन करनी है अपने एसेट्स में, तो जनाब हमें पुराने बेचने पड़ते हैं, नए हम खरीदते हैं। अब हो क्या रहा है, फिक्स एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जनाब फिक्स एसेट्स सेल हो रहे हैं। अगर सेल हो रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में कैश आना चाहिए, जनाब कैश आ रहा है कितने का, 3 मिलियन का। अच्छा अपेरेंटली मुझे लगता है कि 5 मिलियन कॉस्ट का एसेट था, देखो इन फिक्स एसेट 5 मिलियन के ऑपोजिट उसने वर्ड यूज किया हुआ है कॉस्ट का, 5 मिलियन कॉस्ट का एसेट है, अगर 3 में बेचा तो अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि लॉस है 2 मिलियन का, तो लॉस को तो कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, 0.4 मिलियन ऐड है, तो लॉस हो तो माइनस होता है, ये प्रॉफिट कैसे हो गया। डू यू रिमेम्बर एक ट्रांजेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि बेटे जब भी नॉन करंट एसेट्स को सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी नॉन करंट एसेट सेल हो बेटे उसकी बुक वैल्यू का कंपैरिजन हम सेल प्राइस के साथ करते हैं, तो हम इस क्या करेंगे, इसकी पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें जो एसेट आप सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन, 5 मिलियन की कॉस्ट में से जनाब हम जो बेनिफिट ले चुके वो 2.4 मिलियन का है, रिमेनिंग जो वैल्यू यूटिलाइज होगी इन फ्यूचर दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू, वो हमारे पास कितनी है, हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो चलिए 5 मिलियन माइनस 2.4 मिलियन माइनस किया, तो जनाब जो एसेट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जब बेचने का टाइम आया उस वक्त हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू स्टैंड कर रही थी 2.6 मिलियन, लेकिन उसको हमने सेल कितने में किया है, जो सेल प्राइस हमें रियलाइज हुई है वो मैंने कैश के अकाउंट में जाकर देखा तो वो 3 मिलियन में हम सेल कर रहे हैं। इसी वजह से 2.6 मिलियन की चीज 3 मिलियन में सेल हो रही है, इट मींस के जनाब 0.4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, और वही प्रॉफिट उन्होंने 0.4 मिलियन का क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया। तो जनाब ये सारे पॉइंट्स हमें यहां से क्लैरिफाई हुए कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से जब भी नॉन करंट एसेट सेल हो बेटे, सेल के टाइम में हमें उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी पहले बुक वैल्यू या जिसे कैरिंग अमाउंट कहते हैं, बड़े सारे उसके लिए टर्म्स यूज होती हैं, वो हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो चीज आपने याद रखनी वो क्या है कि बेटे नॉन करंट एसेट को जब हम सेल करते हैं एट दैट टाइम हम उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे आती है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी, बुक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का कंपैरिजन हम सेल प्राइस से करते हैं, फिर हमें आइडिया होता है कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या है इन इफेक्ट्स की, कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हैविंग द कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन
but the book value of 2.6 million has been sold for a price of 3 million. That's why we earned profit of 4.4 million against this transaction. और यही प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड किया हुआ है। तो जनाब ये हुई हमारे पास 16th जनवरी की ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 20th जनवरी। जनवरी में क्या इफेक्ट्स हैं? प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स देखे हैं जनाब, एक तो लाइटिंग इफेक्ट -4.8 मिलियन, इन्वेंट्री ऐड कर रहे हैं जनाब 8 मिलियन, और कैश का इफेक्ट है -3.2 मिलियन। कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड पे चलें तो 20th जनवरी के एंगेज में हमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा। अच्छा चलें जनाब मिलके सॉल्व करते हैं। पहले इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री प्लस हो रही है, इसका मतलब है इट्स द परचेज ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट है उस इन्वेंट्री जिसको हमने परचेज किया, 8 मिलियन कॉस्ट की इन्वेंट्री है जिसको हम खरीद रहे हैं। आउट ऑफ 8 मिलियन हम 3.2 मिलियन कैश पे कर रहे हैं। 3.2 मिलियन कैश पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 4.8 मिलियन। अगर रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं की, वो पेएबल होती तो लायबिलिटी साइड पे शो होती। फिर से देखिए मैं रिपीट करती हूँ, 8 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज की, उसके अंगेंस में 3.2 मिलियन कैश हमने पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बनती है 4.8 मिलियन। अगर ये पेएबल है तो उसे लायबिलिटी साइड पे शो होना चाहिए, लायबिलिटी साइड पे नहीं है। फिर ये क्या हो सकता है, आपका परचेजेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस या तो एक्रूड होते हैं मतलब पेएबल होते हैं, अगर वो नहीं हो पेएबल, एक्रूड नहीं हो तो वो एडवांस होते हैं। अब अगर एक्सपेंस एक्रूड हो पेएबल हो तो वो लायबिलिटी होता है, और अगर एक्सपेंस आपका एडवांस हो तो उसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है, वो एसेट्स होते हैं। तो देखो वो एसेट्स हैं, लेकिन कम क्यों हो रहे हैं? लायबिलिटीज और एसेट्स बेटे बाद में कम होते हैं, पहले हमारी बुक्स में स्टैंड करते हैं, पहले हमारी बुक्स में उनका बैलेंस बढ़ता है। इसका मतलब है हमने उसको पहले एडवांस जब पे किया था इन परचेजेस के अगेंस्ट, जब मैंने चीजें खरीदनी थी मैंने 4.8 मिलियन का एडवांस दे दिया था, अपने एंड का काम कर लिया। अब मुझे दूसरी पार्टी से इस एडवांस के अगेंस्ट में चीजें चाहिए थी, मैंने राइट यूटिलाइज करना था, तो ये मेरा एसेट था। क्या हुआ, 4.8 मिलियन का मैंने एडवांस दे दिया अपने सप्लायर को चीजें खरीदने से पहले। जब एडवांस दिया मैंने एडवांस एक्सपेंस को जो कि एसेट होता है, मैंने एसेट्स की साइड पे प्री पेमेंट्स के नाम से उसको बुक कर लिया। अब जब मेरे सप्लायर ने मुझे चीजें बेची हैं, फॉरवर्ड की हैं, मेरे पास 4.8 मिलियन एडवांस के अगेंस्ट में 8 मिलियन की गुड्स आ गई, तो रिमेनिंग अमाउंट अब मैंने पे कर दी और उन चीजों को मैंने रिसीव कर लिया, तो मेरा एसेट का बैलेंस भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, purchases of inventory having a cost of 8 million, 3.2 million is being paid now with the receiving of goods, while 4.8 million has been paid in the past. अब उसके अंगेज़ में जो पास में एसेट पास इवेंट की वजह से एसेट रेज हो गया हुआ था, अब हमने उनसे बेनिफिट ले लिया, तो अब एसेट का बैलेंस कम हो गया, प्रीपेमेंट्स कम कर दी। तो जनाब ये 20th जनवरी, आफ्टर 20th जनवरी 25th जनवरी की तरफ चलें इसको यूं ही डिस्कस करके देखते हैं। अब मेरा ख्याल है फॉर्मेट आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 25th जनवरी की तरफ चलिए, इन्वेंट्री का बैलेंस 8 मिलियन से कम हो रहा है। ओके जी, इन्वेंट्री 8 मिलियन की है, उसके ऑपोजिट 9.5
5 मिलियन जो है वो कैश में ऐड कर रहा है। यहाँ से फॉरेन क्लिक होता है कि हम इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है ये कहाँ से आइडिया होगा? इन्वेंट्री के अकाउंट में जाकर देखेंगे। तो इन्वेंट्री के अकाउंट के ऑपोजिट 1 मिलियन कॉस्ट की इन्वेंट्री है, हम उसे 9.5 मिलियन में सेल कर रहे हैं, 1.5 मिलियन का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और वो देखिए आपके कैपिटल में जाकर 25 जनवरी में कैपिटल में 1.5 मिलियन का प्रॉफिट वो ऐड कर रहा है। सो इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन इज बीइंग सोल्ड फॉर अ सेल प्राइस ऑफ 9.5 मिलियन दैट हैज बीन रिसीव्ड इन कैश। और 1.5 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। ये तो हो गया 25th January। उसके बाद जनाब लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलिए, 28th January को क्या हो रहा है जनाब? 3 assets की साइड पे चलो तो 3.8 मिलियन वो कैश में से माइनस कर रहा है। हम बिजनेस से कैश पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? एसेट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं मिला हमें। तो चलिए हम लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड पे जाकर देखें ये क्या जनाब। उसने 3.8 मिलियन के ऑपोजिट 0.8 मिलियन कैपिटल में से माइनस किया हुआ है और 3 मिलियन लॉन्ग टर्म लोन के अगेंस्ट माइनस किया हुआ है। इसका मतलब है कि जनाब हमने कर्जा वर्जा लिया हुआ था, कितना लिया हुआ था? लोन के अगेंस्ट अमाउंट देखो, मैंने 3 मिलियन बोरो किया हुआ था, मैंने 3 मिलियन का लोन लिया हुआ था। अब जब बेटे हम कर्जा लेते हैं उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 3 मिलियन का जो लोन है लिया है वो हमें रीपे करना है, वो हमारी लायबिलिटी होती है और उस पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगी वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस का इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या देते हैं? एक्सपेंसेस हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो देखो उसने इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटल में से 0.8 मिलियन का माइनस किया हुआ है, जो कर्जा लिया था वो 3 मिलियन का है। तो जनाब अब हम अपनी लायबिलिटी को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, टोटल पे हो रहा है 3.8 मिलियन। So the loan with the amount of interest has been paid on 28th January. चलें बेटे यहाँ तक मेरा ख्याल है अब काफी प्रैक्टिस आपकी हो गई हुई है। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके जी अबू सर आसिफ बेटा वेट। हाँ जी अबू सर बेटा। मैम ये जो हमने 20th जनवरी वाली हमने एग्जांपल की है, कौन सी वाली? 20th जनवरी वाली जी। मैम इसमें हम देखें अगर तो अदर रिसीवेबल्स माइनस 4.8 बिलियन से कम हो रहे हैं और इन्वेंटरी हमारी 8 बिलियन ऐड हो रही है। मैम हम इसे इस तरह नहीं समझ सकते अगर हमने कोई चीज प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दी है तो हमें यानी कि उसने जो हमने उसे चीज प्रोडक्ट सेल की थी वो वापस आ गई है इन्वेंटरी में और रिसीवेबल्स हमारे निकल गए। अच्छा अगर बेटे आप 20th जनवरी की बात कर रहे हो, 20th जनवरी में आप कह रहे हो कि वो चीजें जो बेची थी वापस आ गई हुई हैं? जी मैम जैसे प्रीवियस एग्जांपल की बात है। क्या होता है अबू सर बेटे जब हमने बेची होंगी तो उस पे प्रॉफिट भी हुआ होगा, जब वापस आती हैं तो प्रॉफिट इफेक्ट भी तो कैंसिल करते हैं ना। और देखो हमने बाज़ुकात बिजनेस में हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं चीज बेच देते, पार्टी यानी कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चली आ रही है। वो हम बिजनेस में ऐसी सिचुएशन तब आती है जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, जब नॉर्मली हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने नॉर्मल बिजनेस कंडीशंस को एज्यूम करना है, वर्स्ट कंडीशन को एज्यूम नहीं करना है। अनलेस अनटिल वो क्वेश्चन में खुद स्पेसिफाई ना कर दे कि जनाब ऐसी वर्स्ट कंडीशन चल रही है तो हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ऐसी सिचुएशन होती है ना अगर कभी, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा ये बात। ठीक है मैम। और मैम ये जो 8 जनवरी वाली एग्जांपल है इसमें जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जरा क्लियर कर दें। बेटे प्रोविजन का बैलेंस बढ़ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने एक चलें फर्ज कर लें एक ही कस्टमर था जिससे मैंने 6 मिलियन लेना था, 6 मिलियन के अगेंस्ट में 3 मिलियन उसने मुझे दे दिया और 3 मिलियन के अगेंस्ट में सॉरी 6 मिलियन के अगेंस्ट में उसने 3 मिलियन दे दिया और 1.8 मिलियन का फॉरन से उसने कह दिया कि आई कांट पे। तो हमने पूछा भाई साहब जो बकाया पैसे 1.2 मिलियन उनका क्या करें? कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मेरे बिजनेस के हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि आइदर आई वुड पे और नॉट।
तो जब उसने ऐसे कर दिया उसने हमें डाउट में डाल दिया, और जब हम डाउट में आ जाते हैं हमें लगता है कि लॉस हो सकता है, हमने फौरन उसकी प्रोविजन क्रिएट कर और उसकी वजह से भी रिसीवेबल का बैलेंस कम। मैम प्रोविजन, हेलो अबू सर बेटा कहाँ गए? चलें जब तक एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका वेट करते हैं बेटे। मैम मैं पूछ रहा था प्रोविजन का क्या मतलब होता है? हाँ अब आ रही है, हाँ दोबारा पूछें। प्रोविजन का क्या मतलब होता है? मैम प्रोविजन का बेटे हम एक्सपेक्टेड लॉस के केस में एक टेंपरेरी अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजन अकाउंट, के हम उसमें प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डाल देते हैं कि लॉस होगा तो इसमें से कवर अप कर लेंगे, लॉस नहीं होगा तो वो एड बैक हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू, यू वेलकम। हाँ जी मोहम्मद हमजा, हाँ जी नो मोर क्वेश्चन हमजा, मैंने 2 times आपको अनम्यूट किया हमजा। चलो बेटे आपका कोई माइक का इश्यू होगा उसको ठीक कीजिए जब तक बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चन लेते हैं। चलें आकिब की तरफ से क्वेश्चन आया जी बेटा आकिब। हमें 28 जनवरी के ट्रांजैक्शन एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करें। बेटे 28 जनवरी में देखो कैश कम हो रहा है 3.8 मिलियन का, क्यों कम हो रहा है? हमें एसेट्स की साइड पे उसकी कोई रीजन नहीं मिली, तो लाइबिलिटीज की साइड पे गए तो लाइबिलिटी में उसने लिखा हुआ है लोन है 3 million का और वो कम हो रहा है। लोन बढ़ता कब है? जब हम कर्जा लेते हैं तो पैसे भी आते हैं लाइबिलिटी भी बढ़ती है, या लाइबिलिटी कम हो रही है और पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब जब हमने कभी कर्जा लिया हुआ था वो अब हम रीपे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो बेटे अगर 3 million का लोन लिया था हम वापस क्यों 3.8 million कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम उसके गेस में बेटे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। जो लोन देने वाले हैं वो हमें जनाब विदाउट इंटरेस्ट लोन नहीं देते, 3 million के अमाउंट बोरो किए उसके केस में 8.8 million का इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो भी हम पे कर रहे हैं। अब 0.8 million का जो एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है अकाउंटिंग इक्वेशन में हम दो एलिमेंट्स को अलग से नहीं लिखते, उसके इफेक्ट्स हम कैपिटल में देते हैं। तो जनाब वो क्या है, क्योंकि एक्सपेंस है वो प्रॉफिट को कम करेगा, अल्टीमेटली उसने कैपिटल को कम कर दिया इसलिए वो कैपिटल में से माइनस हो रहा है। ओके हो गया, हाँ जी हमिद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, जो हमारे डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं मैम उनका हम कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे? किस पे? कैपिटल पे। डाउटफुल डेट्स का यहाँ पे देखो, डाउटफुल डेट्स को भी ट्रीट करने के दो मेथड, एक्चुअली इसने यहाँ पे वही किया जो हमने इन्वेंट्री के दो मेथड से यहाँ बता दिया। बिल्कुल अल्टीमेटली होता है जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं हम उसे क्या करते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ाता है तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं और रिसीवेबल में से भी माइनस करते हैं। यहाँ उसने ये काम करने की बजाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट ही ओपन कर दिया एसेट्स की साइड, जो सिर्फ रिसीवेबल की अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसका दूसरा इफेक्ट ये दूं कि 1.2 मिलियन एसेट्स की साइड पे लिखने की बजाय दूसरी तरफ से माइनस कर दूं जब भी वो ठीक होगा, ये चीजें तो मैं इसका... आपको रिसीवेबल के अकाउंट में जाके ये जितने मेथड्स हैं वहां जाके रिपीट होंगे जी। और मैम जो नॉन करंट एसेट हमने जो सेल किए मैम उसका जरा दोबारा बता दीजिएगा। नॉन करंट एसेट कहां, हां कहीं सेल किया था मैम 12th January, यस 16th जनवरी में बेटे नॉन करंट एसेट्स 16th जनवरी, हाँ कोई बात नहीं। देखो नॉन करंट एसेट उसकी कॉस्ट, वो फिक्स एसेट के साथ उनकी कॉस्ट लिख रहा है कि हमने खरीदा कितने में था। ये नॉन करंट एसेट 5 मिलियन में खरीदा था, ये उसकी कॉस्ट थी। उसके ऑपोजिट वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 मिलियन की कॉस्ट में से 2.4 मिलियन का हम बेनिफिट ले चुके, तो अब रिमेनिंग अमाउंट एसेट के अकाउंट में कितनी रह गई हुई है, हम 5 मिलियन में से 2.4 मिलियन माइनस किया 2.6 मिलियन आए, तो इस एसेट से जो मजीद मुझे बेनिफिट लेना था वो 2.6 मिलियन का बेनिफिट लेना था। मेरे एसेट्स की वर्थ अभी ये है, बुक वैल्यू ये है, लेकिन एक ऐसा एसेट जिससे 2.6 मिलियन का बेनिफिट लेना था मैंने उसको बेच के 3 मिलियन का बेनिफिट ले लिया।
अगर मैं खुद यूज करती तो मुझे उससे बेनिफिट 2.6 मिलियन का मिलना था, क्योंकि 2.4 मिलियन का बेनिफिट ले चुके हम, उसको एक्सपेंस में डाल चुके। अब 2.6 मिलियन का एसेट मैंने 3 मिलियन में बेच दिया, उस पे मुझे प्रॉफिट 0.4 मिलियन का हो गया। मैम नॉन करंट एसेट में हम लोग हमेशा बुक वैल्यू के वो पैटर्न से करेंगे? यस, कभी भी नॉन करंट एसेट सेल करें तो क्योंकि वो यूज के लिए हमने खरीदा होता है, यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। नॉन करंट एसेट जब भी बेचेंगे उस पर प्रॉफिट लॉस हमेशा ऐसे ही निकालोगे बुक वैल्यू का कंपैरिजन सेल प्राइस के साथ। अगर मैम वो एसेट के साथ फिक्स एसेट फिक्स का वर्ड ना लिखता तो फिर इसका मतलब ये होना था कि हम लोग वो करंट एसेट्स होते तो करंट एसेट तो खरीदते ही बेचने के लिए, फिर उनकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का सीधा सीधा कंपैरिजन कर लेते, फिर वो मैम इन्वेंटरी का हमें करना पड़ना था। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसी चीजें जो खरीदनी है बेचने के लिए वो सारी की सारी चीजें इन्वेंटरी में चली गई। जी मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। अच्छा जी, और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी मोहम्मद हमजा, हमजा बेटे मैंने दोबारा से आपको अनम्यूट किया, कोई इशू आ रहा है आपके एंड पे आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी सुहेब। मैम वो एक दोस्त का ना माइक नहीं चल रहा, वो उसका मैसेज आया कि थर्ड और फिफ्थ जॉइन का ना थोड़ा क्लियर कर दें। अच्छा, वो आपके वही दोस्त हैं जिनका वो माइक का इशू आ रहा है? थर्ड जनवरी नहीं हमजा। अच्छा चलें कोई बात नहीं, मेरा ख्याल आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। बेटे थर्ड जनवरी फिफ्थ जनवरी को मैंने रिपीट कर दिया था, मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, रिपीट करने से पहले लिसन में फिर मैं भूल जाऊंगी, टाइम मेरे पास शॉर्ट है। बेटे मैंने कहा था हामिद आपके सीआर हैं, हामिद आपने मुझे रिमाइंड करवाया करना डेली बेसिस पे, असाइनमेंट्स दिया करनी बेटे आप लोगों ने। जो खुद करने से एक दफा करोगे रॉन्ग होगा, सेकंड टाइम करोगे रॉन्ग होगा, थर्ड टाइम में वो करेक्ट हो जाएगा, और जो वो आपको एक दफा करेक्ट हो गया खुद करने से वो कभी चीज भूलती नहीं है। तो अब आप लोगों ने डेली बेसिस पे मेरे से असाइनमेंट्स दिया करनी। अब आपकी कल के लिए बेटा जी असाइनमेंट ये है, इसके चैप्टर के जितने एमसीक्यूज हैं यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, आपने कोशिश करनी है। जो जिन जिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आता है सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन यू वांट टू डिस्कस विद मी, आप उनको टिक करते रहें। कल की क्लास में सारे के सारे हमने एमसीक्यूज आपसे जो है ना वो डिस्कस करने, कल के लेक्चर में हमने इन्हें वाइंड अप करना है, ठीक है? ये आज आपकी असाइनमेंट हो गई है, इस चैप्टर के जितने एमसीक्यूज हैं वो आपने सॉल्व करने, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमने कल की क्लास में डिस्कस करने। अच्छा जनाब, थर्ड जनवरी में देखो बेटे मैं रिपीट कर देती हूँ, थर्ड जनवरी में इन्वेंट्री आपकी प्लस हो रही है 17 मिलियन से और कैश कम हो रहा है 4.25 मिलियन से। इन्वेंट्री बढ़ रही है इसका मतलब है कि इन्वेंट्री हम खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। और किस तरह मैं परचेस कर रही हूँ, 4.25 मिलियन मैंने उनको पे कर दिया, और जो बकाया पैसे हैं 12.75 मिलियन वो मैंने उनसे उधार कर लिया। मैंने उनसे कहा आपको बाद में दे देंगे। अगर हम चीज खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसे नहीं देते, उधार कर लेते हैं, तो हमारे पास एक लायबिलिटी रेज हो जाती है जिसका नाम है अकाउंट्स पेएबल। तो देखिए लायबिलिटी साइड पे जाकर देखो, अकाउंट्स पेएबल में उसने 12.75 मिलियन ऐड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समराइज करूं, हम 17 मिलियन कॉस्ट की इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, 4.25 मिलियन अभी हमने उसको दे दिया और रिमेनिंग जो अमाउंट है 12.75 मिलियन उनसे कुछ टाइम ले लिया कि हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे। तो चीज खरीद ली, पेमेंट नहीं की, तो लायबिलिटी रेज हो गई अकाउंट्स पेएबल के नाम से, वो लायबिलिटी साइड पे शो हो रही है। फिफ्थ जनवरी में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है 20 मिलियन से। इन्वेंट्री गुड्स बिजनेस से जा रही है, हम बेटे उनको सेल कर रहे हैं। अब अगर हम उन्हें सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, मुझे कॉस्ट प्राइस तो 20 मिलियन है, कितने में बेच रहे हैं? डेफिनेटली बेटे चीजें खरीदी जाती हैं बेचने के लिए, हम कारोबार करें, कारोबार का मतलब है प्रॉफिट अर्न करना, तो डेफिनेटली हमें इस पे भी प्रॉफिट हुआ होगा, हमने ज्यादा प्राइस में बेचा होगा। कितने में बेचा ये फाइंड आउट करने के लिए जब कैपिटल की साइड पे गए तो बेटे वहां 5 मिलियन का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ हुआ है। इसका मतलब है 20 मिलियन कॉस्ट की चीजों को मैंने 25 मिलियन में सेल किया, वो मैं स्लाइड भी यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। हाँ
ये देखो ये मैंने डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, स्लाइड आपको शो हो रही है कि जनाब इन्वेंट्री की कॉस्ट 20 मिलियन थी, मैंने क्या किया 25 मिलियन में बेचा है, वो मुझे कंफर्मेशन कैसे हुई है, 5 मिलियन का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड है। अब 25 मिलियन में मैंने बेचा और 25 मिलियन की एडजस्टमेंट कैसे की है, क्या मैंने 100% रिसीव कर लिया? तो उसके लिए जब हम गए कैश में जाकर देखा तो 25 मिलियन में से 22.5 मिलियन हमें कैश में रिसीव हो रहा है, रिमेनिंग अमाउंट का क्या हुआ? 2.5 मिलियन कहाँ है रिमेनिंग अमाउंट? वो हो सकता है कि हमने चीज बेची और कस्टमर को कुछ टाइम दे दिया कि भाई साहब आप बाद में अदा कर दीजिएगा। अगर चीज बेची उधार कस्टमर से पैसे नहीं लिए, ऐसी सिचुएशन में अकाउंट रिसीवेबल का हेड क्रिएट होना चाहिए जो कि एसेट साइड पे होना चाहिए। लेकिन जब मैंने एसेट साइड में जाके देखा 2.5 मिलियन मुझे एसेट्स की साइड पे नहीं दिख रहा है, तो फिर ये क्या है, लायबिलिटी साइड में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बेटा ये सेल्स हैं, हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू या तो एक्रूड होगा या एडवांस होगा, इसके अलावा कुछ और सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक्रूड होता तो रिसीवेबल साइड पे एसेट्स की साइड पे शो होता, वो नहीं है लायबिलिटी की साइड में, इसका मतलब है कि जनाब ये एडवांस है। मैंने पहले कस्टमर से जब ऑर्डर बुक किया था, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने कस्टमर से 2.5 मिलियन एडवांस ले लिया था और वो मेरी लायबिलिटी बन गई थी जब मैंने कस्टमर से एडवांस लिया था कि भाई मैं आपको फ्यूचर में चीज बेच दूंगी दे दूंगी, वो मैंने लायबिलिटी बुक कर ली, तब वो मेरी लायबिलिटी बुक हो गई। अब मैं कस्टमर को चीज दे रही हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। तो 2.5 मिलियन मैंने कस्टमर से एडवांस लिया हुआ था, 22.5 मिलियन गुड्स के साथ चीजें कस्टमर को दी और बकाया पैसे जो थे 22.5 मिलियन के वो मैंने अब रिसीव कर दिए। हाँ जी बेटा जी बताओ क्या हो गया? ओके जी लीजिए बेटे आप सबको क्लियर हो गया? हमजा नहीं हाफिज हामिद जी बेटा क्या इशू? मैम जी वो आपकी बात से मुझे याद है, मैंने कल भी आपसे वो पूछना था कि जो मैम यूनिट्स के अंदर एग्जांपल्स हैं वो हम खुद प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे कि वो आप करवा देंगे? नहीं वो अब आप लोग खुद करो क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड थी वो मैंने करवा दी है, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है छोटा मोटा वो आप मेरे से साथ साथ डिस्कस करते रहो कि ये ऐसे क्यों किया उन्होंने ऐसे क्यों किया, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये काम करना है। MCQs आई डोंट नो कितने हैं इस चैप्टर के, वो जितने भी ये 34 हैं तो वो आज आप लोगों के असाइनमेंट, और हामिद आप मुझे याद करवाया करना है ठीक है। तो ये कोशिश करनी है कल के लेक्चर में हमें इन्हें डिस्कस करना है, छोटा सा भी इशू आता है तो यूं ही मैं डिटेल एक एक ट्रांजेक्शन को यूं डिटेल में डिस्कस करूंगा। Yes, ma'am. Okay, beta. See you tomorrow. Until that time, Allah Hafiz.